आज आप बताइए ना, झारखंड राज्य किसके लिए बना? बिहार राज्य को तो अपना हक मिल रहा है, बिहार के लोगों को मिल रहा है, गुजरात को गुजरात के लोगों को मिल रहा है, बंगाल में बंगाल के लोगों को मिल रहा है पहला प्रेफरेंस। तो हमारे लोगों को पहला प्रेफरेंस देने का जब बात आता है तो क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है? गुस्सा है, आक्रोश है हमारे लोगों में और ख़ासकर छात्राओं में, क्योंकि छात्र सबसे ज़्यादा तकलीफ झेल रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं हमारे लोग। तो इस तरह का प्लान नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को थोड़ा देखना चाहिए। और 60-40 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, 60-40 जैसा नीति तो झारखंड में कतई नहीं माना जाएगा। आप हाल ही के दिनों में देख सकते हैं झारखंड में जिस हिसाब से इतना उग्र आंदोलन चल रहा है, छात्राओं के बीच ये ज़्यादा उबाल हो रहा है, क्योंकि छात्र समझ सकते हैं इसका दर्द। ये जो 60-40 जैसा नीति जो बना रहे हैं हेमंत सोरेन जी, ये लोग क्या सोच के इस टाइप का नीति बना रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। क्योंकि 60-40 में आप हमारे लोगों को क्या फ़ायदा है, आप खुद सोचिए ना। हर एक भारत में 29 के 29 राज्य में आप देखेंगे उनके डोमिसाइल पॉलिसी, उनके नीति, नियोजन नीति, आपको साफ पता चलेगा वहाँ के स्थानीय लोगों को वो लोग पहला प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ऑल ओवर इंडिया के लोगों को पहला प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उसके बाद झारखंडी लोगों को दे रहे हैं सेकेंड। हम लोग सेकेंड सिटीज़न के रूप में ये लोग देख रहे हैं हम लोगों को। तो मैं तो बोलूँगा कि 60-40 से अच्छा 90-10 का एक बनना चाहिए। जिस हिसाब से देखिए, 10 स्लैब रेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पहला हक हमारा बनता है इस राज्य में। हमारे लोग, हमारे पुरखे शहीद हुए, आंदोलन किए किस लिए, इस मिट्टी के लिए, इस राज्य के लिए? क्या है 60-40 जैसा नीति के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया था क्या? आज बताइए, जो 40 जो ब्रैकेट ये लोग डाले हैं बाहरी लोगों के लिए, बाहरी में से कितने लोग चाहते थे कि झारखंड बने? हाँ, उन लोग तो झारखंड आइडेंटिटी, झारखंड नाम से लोग चिढ़ते थे, बोलते थे जंगली लोग हैं, इन लोगों को राज चाहिए। आज जब राज मिल जाने के बाद देख रहे हैं कि 20 साल से तो कोई पॉलिसी ढंग का बनता नहीं है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार आया, सोचे कि लोगों, लोकल लोगों का एक आस आया, एक होप आया कि भाई लोकल पार्टी है, हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारा अपलिफ्टमेंट करेंगे। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि ये लोग कोई भी नीति बना रहा है, सब रद्द हो जा रहा है, कोर्ट रद्द कर दिया जा रहा है, कोर्ट द्वारा सब चीज़ हटा दिया जा रहा है। तो इस तरह का मतलब 3-4 साल में सरकार का एक ढंग का पॉलिसी नहीं बन पाया, और जो बन पाया वो तो सरकार खारिज कर दे रहे हैं। तो इसमें काम करने का ज़रूरत है, CM से लेकर बड़े बड़े IAS IPS को सोचने का ज़रूरत है कि झारखंड के लोगों का उद्धार कैसे किया जाए, किस नीति के तहत, किस नियोजन नीति से इनको जोड़ा जाए कि झारखंडी लोगों का हक अधिकार का बात हो। और जो इतने साल तक शोषण हो रहा है, खासकर आप देखेंगे 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का 16 साल सरकार रहा, और क्या स्थानीय नीति, नियोजन नीति बना, ये आप सब देखे हैं। हम लोग कितने हमारे लोग आज सरकार में हैं या सरकारी काम में हैं, ये सब नज़र आता है। आज शहर से लेकर गांव हर जगह बाहरी अतिक्रमण ज़्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बन के भी हम लोग मतलब निराशा हो गए हैं कि भाई ये सरकार भी अगर हमारे लोगों के लिए नहीं सोचेगी, काम नहीं करेगी, तो हम किसे वोट दें? हम बताइए, JMM को तो हमारे लोगों ने ही सींचा है ना आंदोलन करके। आज गुरुजी शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी के पिता, उनको तो पढ़ना चाहिए, उनका जीवन आंदोलन को पढ़ना चाहिए, झारखंड आंदोलन को, कि भाई झारखंड आंदोलन कौन किया, कौन लोग शहीद हुए, आज उन लोगों का वंशज को क्या नौकरी मिल रहा है, आज झारखंड बनने के बाद कितने झारखंडियों को नौकरी मिला, आप एक दिखाइए ना। आज तक झारखंड आंदोलनकारी ये लोग चिन्हित नहीं कर पाए, अब नौकरी क्या देंगे? तो बस इसी तरह का हमें, क्योंकि छात्र सबसे ज़्यादा तकलीफ झेल रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं हमारे लोग। तो इस तरह का प्लान नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को थोड़ा देखना चाहिए, और उसमें अपने कैबिनेट से लेकर IAS अधिकारियों लोग से बात करना चाहिए कि एक प्रॉपर नीति बनाओ, एक झारखंडी नीति बने, एक कट्टर झारखंडी नीति बनना चाहिए झारखंड के लिए। सवाल था जैसे कि बिहारी लोग जो शुरू से रह रहे हैं झारखंड में, झारखंड और बिहार अलग संभालने से पहले एक बिहार था, तो बिहारी लोग तो शुरू से यहाँ रह रहे हैं, तो बिहारी लोग बोलते तो बोलते हैं कि हम लोग भी स्थानीय निवासी हैं शुरू से। देखिए बिहार से वो लोग भी रहना चाहिए, नहीं ठीक है, हम मना, हम किसी को देखिए मना नहीं कर रहे हैं, आप रहिए, सबका स्वागत है, भारत सिर्फ एक जाति का देश तो नहीं है ना, हम सबका स्वागत करते हैं। और देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं कि बिहार था पहले, तो बिहार से पहले भी बंगाल था, बंगाल से बिहार 1912 में, और उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। तो देखिए, उड़ीसा, उड़िया भी लोग बहुत हैं, बंगाली लोग भी बहुत हैं, बिहारी लोग भी बहुत हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों को मान्यता देंगे और अपने लोगों को, जिसके लिए बना। आज आप बताइए ना, झारखंड राज्य किसके लिए बना?
बिहार राज्य को तो अपना हक मिल रहा है, बिहार के लोगों को मिल रहा है, गुजरात को गुजरात के लोगों को मिल रहा है, बंगाल में बंगाल के लोगों को मिल रहा है पहला प्रेफरेंस। तो हमारे लोगों को पहला प्रेफरेंस देने का जब बात आता है तो क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों इतने मतलब सबका क्यों इतना मतलब नेगेटिविटी आ रहा है हमारे झारखंडियों के प्रति। हम लोग तो बहुत शांति प्रिय जाति हैं, जनजाति यहाँ पे सब शुरू से रह रहे हैं, किसी को कभी आज तक कोई तकलीफ़ नहीं दिया गया। जो आ रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, आज के डेट में आप देखिए जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं शहर में, सब जगह कौन बिजनेस कर रहे हैं, कौन व्यापार कर रहे हैं, आप देखिए हमारे लोग कहाँ हैं, 1% भी आप नहीं मिलेगा शहर में हमारे लोग जो व्यापार कर रहे हैं। तो सब तो देख रहे हैं, हावी आप ही लोग, बिहार के लोग, उड़ीसा के लोग, बंगाल के लोग हावी है हमारे यहाँ पर। तो झारखंडियों का जब हक अधिकार का बात आएगा तो हम लोगों को तो पहला प्रेफरेंस देना का मूल रूप से सरकार को पहला प्रेफरेंस देना ही चाहिए। बन्ना गुप्ता जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, जो मतलब उनसे 60-40 न्यूजन नीति के बारे में सवाल पूछा जाता है तो बात घुमाते हैं, मतलब समर्थन करते भी हैं नहीं भी करते इस तरह से वो चाहते। देखिए उनका तो कार्य क्षेत्र शहरी क्षेत्र रहा है ना, तो शहर में तो हमारे लोग बहुत कम हैं और अधिकतर नेता अपने वोटों के हिसाब से अपना स्टेटमेंट रखते हैं, ठीक है, और उन लोगों को कोई मतलब नहीं है यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग का कैसे अपलिफ्टमेंट हो। देखिए यहाँ पे शहरी क्षेत्र में जमशेदपुर में रह रहे हैं तो यहाँ पे प्राइवेट नौकरियाँ हैं तो सरकारी नौकरियाँ को कोई तवज्जो देता नहीं है, टाटा में नौकरी हो जाओ वही बहुत बड़ा बात है, तो यहाँ पे किसी को लेना देना नहीं। और जहाँ तक बन्ना गुप्ता जी का बात है तो देखिए उनका कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्वास्थ्य हमारा यहाँ पे रहा है। आज पूरे कोलान में आप देखिएगा तो एक TMH है प्राइवेट हॉस्पिटल और एक है MGM हॉस्पिटल, और MGM हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, आप जाके उसका व्यवस्था देख सकते हैं, हालत देख सकते हैं। इन 20 सालों में MGM कहाँ से कहाँ गया है और TMH कहाँ से कहाँ गया है, ये पूरा कोल्हान क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम में कुछ घटना घटता है तो वहाँ के लोग यहाँ TMH में भर्ती होने आते हैं। तो पूरा इतना बड़ा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल जब आदमी प्रॉपर नहीं चला पा रहे हैं तो इन लोगों का आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से। इन लोग तो सिर्फ दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को लुभाते हैं, जाति के नाम में, धर्म के नाम में लोग वोट की राजनीति करते हैं बस।